उनसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको, उनकी मंशा होनी चाहिए ना उनकी। वो खुद साहब पहले दिन से कह रही है कि हमारी कोई मंशा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिहाज से मायावती को गठबंधन में लाने की कवायद में लगी है, लेकिन वही कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन इसको लेकर सपा के सहयोगी दल और गठबंधन के साथी रालोद की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को रोका किसने है। जयंत चौधरी ने कहा, मायावती जी से भी कोई पूछेगी वो आना चाहती है कि नहीं, क्या कोई जबरन उन्हें गठबंधन में ले लेगा। साथ ही बताया कि गठबंधन की बैठक में बसपा की कोई बात नहीं हुई। और खबर वाले मीडिया वाले खूब चला रहे हैं कि हमने उनको जो है ठोकर मार दी और उन्होंने कभी बयान सामने आया। उनसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको, उनकी मंशा होनी चाहिए ना उनकी। वो खुद साहब पहले दिन से कह रही हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, तो फिर सवाल कहाँ से बनता है। हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे फिर, जब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इंडिया में वो आना चाहती हैं। आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई, कुछ नहीं हुई बात। कुल मिलाकर जयंत चौधरी ने बताया कि बसपा की मंशा ही नहीं है कि वो गठबंधन में आए, पर दूसरी तरफ जयंत चौधरी का ये बयान ये भी साफ करता है कि बसपा गठबंधन में अगर आती है तो उससे उन्हें कोई एतराज नहीं है। पर बता दे कि सपा नहीं चाहती है कि बसपा गठबंधन में आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सपा को बसपा के लिए भी सीटें छोड़नी पड़ जाएगी, जो सपा को गवारा नहीं होगा। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के हालात को देखते हुए गठबंधन को मजबूत करने के लिए मायावती को साथ आना चाहिए। सुनिए। बीएसपी को सोचना चाहिए, आज इतनी स्थितियां खराब हैं, सारे सांसद को वहाँ से सस्पेंड किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र के लोकसभा विधान राज्यसभा के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देखते हुए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जरूर आना चाहिए। 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस बसपा को गठबंधन में लाने में कामयाब होती है या नहीं। पर अगर बसपा साथ आई तो शायद सपा की मुश्किलें यूपी में जरूर बढ़ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।